नमस्कार मित्रों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग में। मित्रों, आज हम आने वाले बसंत पंचमी त्यौहार के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम किस दिन पर, किस तिथि को और कितने बजे शुभ मुहूर्त होगा, क्या किया जाए और शुभ मुहूर्त में भी विशेष शुभ मुहूर्त कब है, इसकी डिटेल चर्चा हम आपको इस वीडियो में देंगे। क्या ऐसा किया जाए कि आपके बच्चे के बुद्धि विकास में सहयोगी हो सके, इन तमाम विषयों पे हम डिटेल चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बात करते हैं बसंत पंचमी की। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी कहा जाता है। ऐसे तो हर महीने की जो पंचमी तिथि होती है, नागदेव के किसी न किसी विशेष रूप का पूजन किया जाता है। इस दिन तक्षक नाग की पूजा की जाती है, साथ में सरस्वती पूजा भी इसी दिन होता है। कहा जाता है कि सरस्वती का जन्म भी इसी दिन हुआ था, अतः इस दिन को सरस्वती की पूजा के लिए विशेष रूप से माना जाता है। कहा जाता है इस दिन जो भी छात्र या जो भी व्यवसायी या जो भी वकील, डॉक्टर, ज्योतिषी, यहाँ तक जो भी बौद्धिक कार्य करते हैं, वो सरस्वती की पूजा करते हैं और सरस्वती की साल भर की पूरी कृपा इसी दिन वो प्राप्त करते हैं। ऐसे तो शिक्षण संस्थानों में हर बौद्धिक काम में प्रतिदिन माता सरस्वती की पूजा होती है, लेकिन यह दिन इनके जन्मदिन के तौर पे, यह दिन इनके दिन के तौर पे विशेष तौर से होता है, इसलिए इनकी विशेष पूजा होती है। अब हम बात करते हैं कि दिन कौन सा होगा। इस दिन मंगलवार होगा। मंगलवार होने के नाते हनुमान जी की भी पूजा सहयोगी होगी, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, बुद्धहीन तन जान के सुमिरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देम हरहु कलेश पिकार। अगर आप हनुमान जी की भी पूजा करते हैं तो आपको सरस्वती की विशेष कृपा होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि मुहूर्त के संबंध में। देखिए, ऐसे तो पंचमी तिथि पूरे दिन है, इसलिए पूरे दिन किसी भी समय पूजा हो सकते हैं, लेकिन बात की जाए किसी विशेष समय की, जिस समय पूजा करने का सबसे ज़्यादा लाभ हो, तो हम बात करेंगे अभिजित मुहूर्त की। अभिजित मुहूर्त ठंडी के दिनों में, अभिजित मुहूर्त थोड़ा सा लेट पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो लगभग 12, 10 से 1 बजे के बीच में अभिजित मुहूर्त रहेगा। यह समय थोड़ा आगे पीछे होगा, क्योंकि देशांतर और रेखांतर के नाते समय में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं किस दिशा में मुख करके आप पूजा करें। यह विशेष चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि मुख की दिशा जरूर रखिएगा। चंद्रमा जिस दिशा में हो उस तरफ मुख करके अगर पूजा की जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। उत्तर दिशा में मुख करके आप पूजा करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। वैसे भी उत्तर दिशा जो है वो बुध की दिशा है। सरस्वती, जब किसी के बालक की कुंडली में बुध कमज़ोर होता है तो शिक्षा कार्य उसका अच्छा नहीं होता है, इसलिए बुध की दिशा में मुख करके माता सरस्वती की पूजा की जाएगी, वह विशेष फलदायी होगी। अब एक दूसरे मुहूर्त के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा सा विलम्ब से है, लेकिन अच्छा मुहूर्त है। अमृत सिद्ध योग जो रात 8:08 के बाद है, बनारस के अनुसार 8:08 बाद बनारस के अनुसार यह अमृत सिद्ध मुहूर्त है। इस समय के बाद माता सरस्वती की पूजा की जाएगी। टोना टोटका या जो भी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं सरस्वती को खुश करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, वो इस मुहूर्त के बाद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको विशेष लाभ होगा। ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि ढेर सारे टोटके बताए जाएंगे, लेकिन आप सोचेंगे किस समय किया जाए कि टोटका हमारा सिद्ध हो, तो आप देखें इसी समय के बाद या अभिजित मुहूर्त में अगर आप टोटका करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। माता सरस्वती के किसी भी एक मंत्र का जाप, कोई भी मंत्र, वैसे हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि कौन सा मंत्र प्रयोग किया जाए, कौन से टोटके इस दिन किए जाए, इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम शुभ मुहूर्त कब है और किस समय पूजा की जाए इसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे, और कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें की जाए तो ज़्यादा फायदेमंद होंगी। तो जो बच्चे
काल सर्प योग, जैसे सुनते आ रहे होंगे कि काल सर्प योग की समस्या है और कुंडली में उनके काल सर्प योग और परीक्षा होती है, रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो इस दिन पंचमी तिथि के साथ साथ सरस्वती की पूजा और नागदेव की भी अगर पूजा की जाए तो जो काल सर्प योग का प्रभाव है कुंडली में वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इसमें तक्षक नाग के बारे में आपने सुना होगा, ढेर सारी कहानियां हैं, उनका भी दिन है और माता सरस्वती का भी दिन है, तो दोनों की मिक्स उनके साथ साथ अगर पूजा की जाएगी तो काल सर्प योग का जो दोष है वो भी काफ़ी कम होगा। इसके लिए आप कुछ कर सकें ना कर सकें तो तांबे का या चांदी का नाग लाके विधि विधान से पूजा करके बहते हुए पानी में उसको विसर्जित कर सकते हैं। साथ में सरस्वती की भी पूजा आप करें, आपके लिए यह दिन अच्छा रहेगा। जो भी नए बालक हैं, जो भी अभी तक कलम और कापी नहीं उठाए हैं, जिन्होंने अक्षर लिखना प्रारंभ नहीं किया है, उनके लिए यह दिन स्पेशली होता है कि आज के ही दिन वो अपने पहले शब्द का उच्चारण उनसे माँ बाप कराने की कोशिश करें, उनसे कुछ लिखाने की कोशिश करें, या कुछ ना कर सके तो उनको किताब दे दिया जाए, कुछ देर उनके सामने पढ़ा जाए। यह पहला दिन अगर होता है, इस दिन किसी भी मुहूर्त को देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त को देख लिए। अभिजीत एक ऐसा मुहूर्त है जिस दिन कोई कार्य किया जाता है तो उसमें हार नहीं होती है। तो आप अगर कुछ ना कर सके तो इस दिन केवल आप बच्चे को लेकर बैठ जाएं और पढ़ाना शुरू कर दें तो वो उसके लिए विशेष लाभकारी होगा। दोस्तों, एक बार चलते चलते फिर हम आपको बता देना चाहते हैं, 16 फरवरी 2021 दिन मंगलवार को पंचमी तिथि है, जिसे बसंत पंचमी के तौर से हम मनाते हैं। इसी दिन बसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है। पतझड़ शुरू हो जाते हैं, पेड़ों में नई कोपलें आती हैं और इस दिन माता सरस्वती का जन्मदिन भी माना जाता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा करने से विशेष फल होता है। इस दिन पंचमी होने के नाते तक्षक नाग की भी पूजा की जाती है और इस दिन आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। दिन मंगलवार है तो जो भी आपकी शिक्षा में बाधा आ रही है, जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जा रहा, उन तमाम चीज़ों के आपको पूरा लाभ होगा। शुभ मुहूर्त के बारे में हमने बता दिया, अभिजीत मुहूर्त और अमृत सिद्ध मुहूर्त, ये दो समय हैं, इस समय आप पूजा करिए। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और हम अगली वीडियो में आपके लिए टोटके और उन टोटकों के करने का विशेष मुहूर्त और समय, क्या करें क्या न करें, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।